नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 578 रन बना चुकी है। पिछले 8 साल में यह सिर्फ तीसरा मौका है जब किसी विदेशी टीम ने टेस्ट क्रिकेट में भारत की जमीन पर 500 रन से ज्यादा या अधिक बनाया हो। तीनों ही बार ये कारनामा इंग्लैंड की टीम ने ही किया है। इंग्लैंड ने 5 से 9 सितंबर 2012 को कोलकाता में खेले गए टेस्ट में भारत के खिलाफ पहली पारी में 316 रन के जवाब में 523 रन बनाए थे। कप्तान एलिस्टर कुक ने 190 और जोनाथन स्टॉट ने 87 रन की पारी खेली थी। केविन पीटरसन ने 54 रन बनाए थे। भारत की दूसरी पारी में 247 रन पर सिमट गई थी। इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 41 रन बनाए और मैच 7 विकेट से अपने नाम कर लिया था। एलिस्टर कुक इसमें मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। इंग्लैंड की टीम ने 2016-17 में भी भारत के दौरे पर अपने पहले टेस्ट मैच में 500 रन से ऊपर का स्कोर बनाया था। तब इंग्लैंड ने 537 रन बनाए थे। इंग्लैंड की पारी में 3 बल्लेबाजों ने शतक जमाए थे। जो रूट ने 124, मोइन अली ने 117 और बेन स्टोक्स ने 128 रन बनाए थे। वहीं मुरली विजय ने 126 और तेजस्वी पुजारा ने 124 रन बनाए थे। ये टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। मोइन अली मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। कप्तान जो रूट ने 218 रन की बेहतरीन पारी के बदौलत इंग्लैंड की भारतीय जमीन पर 500 रनों का ज्यादा आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं दूसरे दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड की पारी ने 8 विकेट पर 555 रन बना लिए थे। 2016 में नागपुर टेस्ट से लेकर चेन्नई टेस्ट के बीच भारतीय जमीन पर 20 टेस्ट मैच खेले गए और लेकिन इनमें से किसी में भी विदेशी टीम ने 500 रन से ज्यादा आंकड़ा तय नहीं कर पाई थी। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रिकेट केसरी में।